सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक बार यरीहो नामक जगह से होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था और जैसे ही उसको पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहे हैं तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह के पीछे उस समय बहुत बड़ी भीड़ थी, इस कारण उन भीड़ में से कुछ लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को डांटा कि वो चुप रहे, क्योंकि उतने सारे भीड़ में यीशु मसीह उसके आवाज को नहीं सुन सकता। इस कारण लोगों ने उसे डांटा कि वो अंधा चुप रहे, लेकिन वो चुप नहीं रहा, बल्कि वो और भी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके आवाज को सुना और उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यही कर कि मैं देखने लगूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हाँ, मैं चाहता हूं कि तू देखने पाए। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे हमें भी लोग दबाना चाहते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि उस अंधे व्यक्ति की तरह हमें भी प्रभु को पाने के लिए जिद्दी बन जाना चाहिए। आमीन।